जे हॉस्पिटल रामचंद्र भट्ट मार्ग मुंबई नंबर 9। ये है गेट नंबर 6 और ये सामने की फुटपाथ पे जितने भी झोपड़े थे गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 8 तक 1-8 जे हॉस्पिटल सब तोड़ चुकी है बीएमसी ने, मुंबई पुलिस ने, और पूरा सफाया कर चुकी है। इंसान से ज़्यादा जानवर वफादार, ये जे हॉस्पिटल की दीवार है और यहाँ पे ये मुर्गा और मुर्गी दोनों नज़र आ रहे हैं। रात के 9 बजे हैं और एक मुर्गा एक मुर्गी वहाँ पे भी है। तो देखिए कि एक इंसान अगर उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो कैसा दल बदल लेता है। अगर बीजेपी का है और उससे सिटिंग एमएलए है या कॉरपोरेटर है और अगर उसे टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से तो फिर वो जम मारता है कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, एनसीपी में, कोई भी पार्टी में जम मारता है। लेकिन ये जानवरों को देखो, परिंदों को देखो कि इनके जो मालिक थे उनके झोपड़े टूट चुके। ये पूरी लाइन देख लीजिए, पूरी लाइन पर झोपड़े टूट चुके, एक भी नहीं है। सबको बीएमसी ने, मुंबई पुलिस ने, जे मार्ग के डिवीज़न में आता है, तोड़ चुकी है और पूरा देख लीजिए। लेकिन ये परिंदे अपने मालिक के इतने वफादार है कि ये झोपड़ा नहीं है, बारिश हो रही है लेकिन ये जगह छोड़ के नहीं जा रहे। चाहे तो ये परिंदे कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते ना, इनके पैर में बेड़ियाँ है ना, गले में रस्सी है और रात के 9 बज रहे हैं। तो देखिए इंसान से ज़्यादा वफादार तो ये परिंदे, ये मुर्गा मुर्गी के, इनके मालिक का घर टूट गया है, मालिक इधर है भी नहीं, बारिश हो रही है, करीब के रहने वाले ये बैठे, इनका नाम रमेश है, इनका भी इधर झोपड़ा था टूट चुका है। लेकिन मैं दाद देता हूँ इन परिंदों की कि किस तरीके से ये परिंदे, मालिक नहीं है, बेड़ियाँ नहीं है, गले में फंदा नहीं है, उसके बावजूद भी इधर है। यानी इनको भी अफसोस है कि इनके मालिक का झोपड़ा टूट चुका है और इनके सर पे अभी कोई छत नहीं है, उसके बावजूद भी ना इनके पास चारा है ना कुछ है, उसके बावजूद भी ये कैसे अपने मालिक का इंतज़ार करेगा। या ये कहना चाहते हैं बीएमसी से, मुंबई पुलिस से कि हमारे मालिक के झोपड़ों को मत तोड़ो, अगर आप उन्हें तोड़ देंगे जैसे कि टूट चुका है तो ये परिंदे कहाँ जाएंगे। बहुत ही बड़ी नसीहत है उन लोगों को, उन लीडरों को, उन लोगों को जो ज़रा ज़रा सी बात पे अपने मालिक से गद्दारी कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, यानी गोया उनको सीटी के। लेकिन देखे कितनी बड़ी नसीहत है। और हम रमेश भाई से जानने की कोशिश करेंगे, रमेश भाई क्या हुआ, ये वापस झोपड़े बनेंगे नहीं बनेंगे? वो पुलिस वाला क्या बोलता है, हाँ झोपड़ा बनेगा नहीं। कौन सा, जे मार्ग पुलिस है कि डोंगरी पुलिस स्टेशन है? जे मार्ग है। तो अभी जैसा आपका इधर झोपड़ा था और अभी तो सर पे छाया नहीं है, तो आपको बारिश में कितनी तकलीफ हो रही है, क्या करेंगे अभी? और फिर उसके बाद 3 महीना अंदर का, हाँ डीन जे हॉस्पिटल का डीन, हाँ वो लोग हाथ में दिए। हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो दो मुर्गियाँ नजर आ रही है मुझे, ये दो मुर्गी एक मुर्गा, ये किसका है और ये लोग जा रहे क्यों नहीं, ऐसे भाग रहे क्यों नहीं, लोग इंतजार कर अपने मालिक का, इतने वफादार है ये? नहीं मगर वो तो ना समझे, इंसान अशरफुल मखलूकात होके अपने मालिक को धोखा देता है, उसकी चोरी करता है, मौका मिलता है उसका कत्ल कर देता है, और ये परिंदे ये बेजुबान इतने ईमानदार के अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं ना, ये आज़ाद है इस वक्त। आगे क्या बोल रहे थे रमेश भाई? वो उसका प्लास्टिक फाड़ देते, नाड़े चल रहे एक हफ्ते से। हाँ मैं देख रहा हूँ ना, एक हफ्ते से आप लोगों को वाकई में बहुत तकलीफ हो रही है।
कोर्ट पुलिसार नहीं आए ले वो। रमेश भाई बुरा मत मानो, अगर ऐसा बारिश में आप भीगेंगे, जैसा कि आज भी बहुत बारिश हुई, फ्राइडे 30 जून 2023 बहुत बारिश, ऐसे बारिश में भीगेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको मलेरिया, टाइफाइड, जॉइंडिस, ना जाने क्या क्या बीमारी होंगी। क्या करेंगे, मजबूरी है ना अभी। यानी आप लोगों ने भी ठान लिए कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, भले ही मुंबई पुलिस या BMC कितने भी हथकंडे अपनाए, आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। क्या किया पुलिस का, हाँ पुलिस क्या आके प्लास्टिक फाड़ रही है, कर रही है, वो कर रही है, प्लास्टिक कहाँ से लाएंगे। हाँ प्लास्टिक तो बरसात में मिलता है और वो भी काफी महंगा मिलता है। आपने यहाँ के जो MLA है यामिनी यशवंत यादव 184 बाइकल कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे मिले, या यशवंत यादव जो चेयरमैन थे वो भी हाथ ऊपर कर, यशवंत यादव भी कोई मदद नहीं करे, यामिनी यशवंत यादव उनसे मिले जाके आप लोग कोई मदद नहीं है। आप लोगों ने तो वोट तो इनको ही दिए होंगे, यशवंत यादव यामिनी यशवंत यादव को ही दिए होंगे, तो वो लोग कोई मदद नहीं करे इस वक्त जबकि बरसात हो रही है और आपके छत सर पे कोई छत नहीं है। कोई मदद नहीं करे यशवंत यादव, मगर मैं जो रुका वीडियो बना, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इन परिंदों को देख के बहुत ही बड़ी नसीहत पाया कि परिंदे किस तरीके से वफादार है अपने मालिक के, बारिश में भीग रहे हैं, आज़ाद है परिंदे, पंछी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे अपने मालिक का इंतज़ार करेंगे, मालिक आएगा इन्हें चारा देगा, अब वो वक्त ही बताएंगे कि कब इनके मालिक का झोपड़ा बनेगा और कब इन परिंदों को भी छत मिलेंगी। चलो खुदा हाफिज फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वैल्यूएबल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।